अमेरिका का एक विमर्श चल रहा है, बातचीत चल रही है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, शिक्षा से आगे बढ़कर हम क्या करना चाहते हैं, तब हमें जरूर यह सोचने में आता है कि हम दीपालय को दीपालय रहने देंगे या उसे कुछ और बनाना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में इस तरह के दीपालय, शिक्षणालय समाज के स्वयं में मनों को जागृत करेंगे और ऐसे महामनीषियों की लगाई हुई लगन, उनके जलाए दियों को लगातार प्रज्वलित करने में अपनी अनथक भूमिका का निर्वाह करते रहेंगे। इस हेतु मैं इस स्कूल को, इसके प्रबंधक को, प्राचार्य को, शिक्षकों को, सभी को बधाई देता हूं। जिन बच्चों ने यहाँ बड़े सुंदर कार्यक्रम किए उन बच्चों को भी बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी देता हूँ। उनके पीछे जितनी मेहनत लगी है उन सब शिक्षकों को भी साधुवाद देता हूँ और अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहादुर सिंह जी, डॉक्टर आनंद जी और आज के मुख्य अतिथि कहिए, आगंतुक कहिए, प्रोफेसर हरकेश बहादुर सिंह जी, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही हमारे डॉक्टर राकेश ने, प्रधानाचार्य ने ठीक कहा, अब तो करीब करीब ये हम लोगों के करीब करीब नहीं बल्कि घर के ही हो गए। अब तो जो मेरे हम देखते ने कि लिखल रहता पूर्व कुलपति, तो हमारा लगता है कुछ छोट चीज कहते जलंकित करते हैं। जा ये केवल पूर्व और भूतपूर्व नहीं है आनंद जी, अभूतपूर्व। कुलपति तो हर 3 साल पर कोई आ जाएगा चला जाएगा। संयोग से छपरा में जब ये कार्यरत थे एक अपने हम बच्चे के काम से चले गए और ठीक उसी समय जिस समय गया था उसी समय विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का अध्यक्ष और वहां के रजिस्ट्रार दोनों लोग वाइस चांसलर से मिलने के लिए आए थे। हम लोगों को उन्होंने बैठाया और जिस तरह से उनका क्लास लिया सोनू बाबू, मुझे नहीं लगा कि रजिस्ट्रार हैं कि इनकी ऑफिस का कोनो कर्मचारी और चाहे चपरासी हैं। बाद में पूछने एक ठो अध्यापक बाहर खड़ा रहना कि भाई छात्र से प्राचार्य जी बड़ा गर्म है, तू कहो गर्म हो सकला उनकर गर्मी सबके सुने के पड़ी कि छपरा विश्वविद्यालय है एजा में परीक्षा नहीं खे भय आ कुलपति कहत कि हमके परीक्षा करावे के बाद आ ए राणा बाबू ना हो हम कहने की जी जी हे राणा बाबू। और कुल मंत्री ने मुझे कहा कि मैं सठिया गया हूँ और मैं सही सठिया गया हूँ। और कल हमारे रिश्तेदार और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष ने कहा कि कुछ ढील हो गई बारह नगर, तो हम तो लगल कि एकदम सही बात और मैं इसीलिए आज कारण लेके सोचा की बोलूँगा क्योंकि दोनों चीज है, थोड़के दूर के ननिहाल भी है और ससुराल वाले तो बैठे ही है और इस कहीं यहाँ तो हाँ यहाँ बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं हर गए हैं कल हो और चाहता नहीं हो जाएंगे क्योंकि इटली और भागलपुर दोनों जगह से एक जगह से हमारे पत्नी इम्तहान दे फार्म भर ले रही पढ़ने रही और इटली में इम्तहान दे रही और दोनों संस्थाओं में जाना चाहिए था तो मैं तो उसमें आया हूँ। और एक साथ जब मेरा छोटा भाई आया संयोग से तो भनियाओं भी है जो कल परसों प्रोग्राम था भुड़सुरी में तो मदद के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो आनंद के सके जी जा तो इस तरह से हम लोग दोनों रिश्ते में आए हैं। और मैंने कहा कि मैं ननिहाल वाला अधिक लेता हूँ क्योंकि इनको आज मुझे अधिक संतोष हो रहा है। ये रमेश भाई का आदर का भाव हो सकता है और सुरेश भाई जिस तरह से एक छोटे भाई के रूप में इन्होंने भी एक पुत्र के रूप में और शिवशंकर सिंह की सेवा भी किया है और उनका स्नेह भी पाया। आप जो 3 साल लिखे हुए राणा बाबू वो मुझे अधिक प्रभावित कर रहे हैं, लग रहा है कि केवल उन शब्दों को देख लेने से हम उनकी पावन स्मृति को ठीक से याद कर रहे हैं और ठीक से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जहाँ लिखा हुआ है महामनीषी युग गौरव और पूर्वांचल के मालवी, मुझे घबराहट होती है, मैं आपकी तरह से ही मुझे भी घबराहट होती है जब मैं देखता हूँ
कि विद्यालयों महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से लोग केवल धनार्जन करते हैं, लेकिन उन लोगों जिसको आपने कहा, जिसके आपके पिताजी जानते हैं, इसीलिए मैं जब भी आता हूँ कल छोड़ करके, मैं तीन नाम लिए बिना नहीं रहता हूँ, बाबू शिव शंकर सिंह जी को, बाबू शिव हरि सिंह जी को हटौना और आपके बाबू जी को, और चौथे पर अगर मैं नाम लेता हूँ तो एक और बाबू शिव शंकर सिंह थे, वो प्लोई के थे लंबे वाले, एक नहीं दो लोग नहीं बहुत लोग, ये सही है जिसको डॉक्टर आनंद जी ने, प्रोफेसर आनंद जी ने कहा।